हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल प्रेडिक्शन की। और आज का प्रेडिक्शन होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। पर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए इस प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टीम्स की बात करें तो दोनों ही टीम्स एक निराशाजनक हार के साथ आ रही है। लखनऊ भी एक निराशाजनक हार के साथ आई अगेंस्ट आरसीबी, और चेन्नई भी पंजाब के अगेंस्ट मैच हार गई। और अगर हम लोग आरसीबी और लखनऊ के मैच की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही नवाचक मैच हो गया था, बिकॉज एंड में हमें विराट कोहली का थोड़ा एक रौद्र रूप देखना पड़ा, क्योंकि उनकी नवीन उल हक के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी अलॉन्ग विद गौतम गंभीर एज वेल। तो काफ़ी अलग साइड देखने को मिली हमें इस मैच में। खैर, अच्छी बात है, अब माहौल थोड़ा शांत हो गया। इसी के साथ हम दोनों टीम्स की बात करें तो चेन्नई जस्ट पीछे है लखनऊ के। लखनऊ इज़ एट थर्ड प्लेस विद 10 पॉइंट्स, वही दूसरी ओर चेन्नई इज़ एट फोर्थ प्लेस विद ऑल्सो 10 पॉइंट्स। अब हम लोग आना चाहेंगे प्लेयर्स इन फॉर्म की, और प्लेयर्स इन फॉर्म की बात करें तो लखनऊ के प्लेयर्स इन फॉर्म रहेंगे केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और काइल मायर्स, वही दूसरी ओर चेन्नई के रहेंगे एमएस धोनी, डेविन कॉर्नवे और ऋतुराज गायकवाड़। टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री रहेगा कल का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रहेगी 24%, विंड स्पीड रहेंगी 8 किलोमीटर पर आवर और देर आर नो चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। टॉस एडवांटेज की बात करें तो आइदर टीम में बेनिफिट फ्रॉम बैटिंग अर्ली। पिच रिपोर्ट की बात करें तो लखनऊ का भारत रत्न एकाना स्टेडियम काफ़ी जाना माना स्टेडियम है। यहाँ पे बैट्समैन पिच को कंट्रोल वे में एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आ सकते हैं, क्यों, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये बॉलर्स डोमिनेटिंग पिच भी है, तो ये मैच थोड़ा बैलेंस देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करना चाहेंगे वेन्यू स्टैट्स की, तो टोटल 9 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग पहले करके 5 जीते गए हैं, वही बॉलिंग पहले करके 4 जीते गए हैं, और एवरेज फर्स्ट इनिंग रहा है 151। इंजरीज़ की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल की हैमस्ट्रिंग में थोड़ा इश्यूज आ गए हैं, और जयदेव उदाकांत भी बाहर है ड्यू टू एन अननोन इंजरी। बात करें हेड टू हेड स्टैट्स की तो लखनऊ और चेन्नई दोनों ने 2 मैचेस खेले हैं, और दोनों में से दोनों ने एक एक मैचेस जीते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात। विकेट कीपिंग विक की बात करें तो निकोलस पूरन काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, इन्होंने 8 गेम्स में 216 रन स्कोर करे हैं, और इनका स्ट्राइक रेट 194.59 रहा है, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर हम दूसरे विकेट कीपिंग विक की बात करें तो डेविन कॉर्नवे इज़ दी ऑब्वियस चॉइस, जिन्होंने पिछले मैच में 92 रन स्कोर करे थे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 176.92। कमाल कर दिया कॉर्नवे भैया ने, जो अपनी ऑलमोस्ट सेंचुरी के पास थे, बट वो नॉट आउट रहे थे, ये काफ़ी अच्छी बात है। बैट्समैन की बात करें तो सिर्फ एक बैट्समैन पिक अच्छी रही थी, हालांकि दुबे भी हैं, बट गायकवाड़ इज़ आर गुड पिक, क्योंकि इनका एवरेज परफॉर्मेंस रहा पिछले मैच में, जिन्होंने सिर्फ 37 रन स्कोर करे, बट हाँ, दुबे से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो ये हमारे पिक रहेंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा और काइल मायर्स एक अच्छी पिक रहेंगे, इनके साथ कृणाल पांडे और मार्कस स्टोइनिस भी हैं। बट अगर हम जडेजा की बात करें तो बैटिंग फ्रंट में थोड़े वीक थे पिछले मैच में, बट रन की बात करें तो 12 ही रन स्कोर करे थे, बट हाँ, अगर हम विकेट की बात करें तो इन्होंने 2 विकेट ज़रूर लिए थे, तो इस मैच में वो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। वही दूसरी ओर काइल मायर्स की बात करें तो इनकी भी थोड़ी सी पुअर परफॉर्मेंस रही थी प्रीवियस मैच में, क्योंकि ये 0 रन पे ही होल्ड हो गए थे, बट इस मैच में वो बिल्कुल वापस आना चाहेंगे एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। खैर, अब हम आना चाहेंगे फाइनल पिक यानी कि बॉलर्स पे, और तुषार देशपांडे एक अच्छी पिक रह सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इन्होंने 3 विकेट लिए थे पिछले फिक्स्चर में विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 12.25। वही रवि बिश्नोई की बात करें तो इन्होंने भी 2 विकेट लिए थे इन द प्रीवियस गेम विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 5.25। बात करें इम्पैक्ट प्लेयर्स की तो लखनऊ के इम्पैक्ट प्लेयर्स रहेंगे अमित मिश्रा, मार्क वुड, जयदेव उदाकांत, करण शर्मा और मयंक यादव, वही दूसरी ओर चेन्नई के रहेंगे मिचेल सैटनर, दीपक चहर, शेख रशीद और निशांत सिंधु। इसी के साथ हम लोग अपनी फाइनल टीम 11 टीम्स पर आना चाहेंगे। पहली टीम की बात करें तो कीपर रहेंगे निकोलस पूरन और डेविन कॉर्नवे, बैट्समैन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ऑलराउंडर रहेंगे मार्कस स्टोइनिस, काइल मायर्स, रविंद्र जडेजा, कृणाल
पंड्या। बॉलर्स की बात करें तो महेश टिक्षाना, रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा। इस टीम के कैप्टन रहेंगे मार्कस स्टोइनिस और वाइस कैप्टन रहेंगे निकोलस पूरन। और दूसरी ओर अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो कीपर रहेंगे फिर से निकोलस पूरन एंड डेविन कॉनवन। बैट्समैन रहेंगे सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि इनसे जगह मिलेगी हमारे ऑलराउंडर्स के प्लेयर को, जो कि है मार्कस स्टोइनिस, काइल मायर्स, रविंद्र जडेजा और कुणाल पंड्या। इसी के साथ एक जगह बनती है एक और बॉलर्स की, यानी कि महेश टिक्षाना, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे और पथि राणा। बात करें मैच विनर की तो वी बिलीव चेन्नई इज गोइंग टू विन दिस। जी हाँ, चेन्नई इस मैच को जीत सकती है, बट लखनऊ से एक उन्हें टफ कॉम्पिटिशन देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। केएल राहुल की एब्सेंस थोड़ी तो उन्हें खाएगी, बट वी कैन सी चेन्नई गेटिंग सरप्राइज फ्रॉम लखनऊ। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस मैच, सो कीप योरसेल्फ टाइट। इसी के साथ हम लोग इस प्रेडिक्शन को ही ख़त्म करना चाहेंगे। कैसी लगी आपको ये प्रेडिक्शन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसमें क्या चेंजेस करना चाहेंगे और पिछले मैच का आपका क्या परफॉर्मेंस रहा ड्रीम इलेवन पे, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके हिसाब से इस मैच में कौन जीतेगा, ये भी हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यही ख़त्म करना चाहेंगे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।